दोस्तों, बर्ड्स का फेदर्स झड़ जाना एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्या बहुत बर्ड्स को ही होती है। बजीज को हो सकती है, कॉकटेल को हो सकती है, जो लव बर्ड्स है उनको भी हो सकती है। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक पूरा बॉडी का एक बहुत बड़ा पोर्शन पर कोई फेदर्स होते ही नहीं, पूरा स्किन दिखाई देता है। तो ऐसे भी कई सारे केसेस होते हैं, तो इसका इलाज हमें जान लेना चाहिए और क्यों होता है वो भी जान लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि बर्ड्स के फेदर्स आखिर क्यों झड़ जाते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा हमारे चैनल पर बर्ड्स की हेल्थ को लेकर, उनके ट्रीटमेंट को लेकर कई तरह के वीडियोज़ बनाते हैं, तो आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होता है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों, मैं हूँ तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों, बर्ड्स के जो फेदर्स है वो झड़ जाते हैं, कई रीजन हो सकते हैं इसके, कोई एक अकेला रीज़न नहीं है। पहला रीज़न हो सकता है मोल्टिंग। मोल्टिंग की वजह से इनके फेदर्स झड़ सकते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता कि मोल्टिंग क्या होता है, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि मोल्टिंग का मतलब है जो पुराने जो फेदर्स है उनके जगह पर नए फेदर्स आ जाएंगे। मतलब जो पुराने फेदर्स है, जब ये छोटे होते हैं तब उनके शरीर में जो फेदर्स होते हैं वो झड़ने के बाद उसके जगह पर नए फेदर्स आ जाएंगे। जैसे हमारे दांत होते हैं, जब छोटे बचपन में जब हमारा दांत गिरते हैं तो उसके बाद नया दांत आ जाता है, वही फेदर्स के केसेस में, बर्ड्स के केसेस में फेदर्स के साथ होता है। तो उनका जो पुराना फेदर्स है वो झड़ने के बाद वहाँ पर नया फेदर्स आने लगता है, तो इसको मोल्टिंग कहते हैं। इस वक्त बर्ड्स आप देखोगे कि जब बर्ड्स धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुजाते हैं, बहुत चोट से खुजाते रहते हैं पूरे शरीर को, खुद अपने कुछ जो फेदर्स है वो उठा लेते हैं। तो ये असल में पुराने फेदर्स को वो निकाल रही है, क्योंकि वहाँ पर वो खुजली होती है जब नया फेदर्स आने लगता है। तो इसको, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब कोई वायरस, कोई सी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाए। इस इन्फेक्शन की वजह से कभी कभी इनके फेदर्स, जब नए फेदर्स आते हैं, नए फेदर्स भी झड़ जाते हैं और वो जगह बिल्कुल कोई फेदर्स नहीं रहता। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसका कई रीजंस हो सकते हैं। आपका केज गंदा अगर हो तब भी ये हो सकता है, बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस अगर आपके बर्ड्स के कांटेक्ट में आया तो उससे हो सकता है। तो बेसिकली आपको आपके केज को, आपके कॉलोनी को बिल्कुल हाइजीनिक रखना होगा, बिल्कुल साफ रखना होगा। अब आपके बर्ड्स को अगर ये हो रहा है, उनके फेदर्स अगर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, आपको उनको, उनके जो शरीर में जो विटामिन की मात्रा है वो बिल्कुल सही रखनी चाहिए। आपको उनको कई तरह के जो विटामिन फूड होते हैं, विटामिन मेडिसिन होते हैं, वो आपको लगातार देनी होती है। एक फूड देना होता है आपको, कई तरह के सॉफ्ट फूड देने होते हैं। तुलसी का पत्ता आप ले सकते हो बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा का मतलब एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं, आप हफ्ते में 2 से 3 दिन तक दे सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर आप ग्रीन विटामिन दोगे तो वो अलग से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली जो न्यूट्रिशन फूड है वो आपको ज़्यादा मात्रा में देना होगा। और एक और चीज़ आपको करना होगा, उनके जो स्किन है जहाँ पर वो फेदर्स थे या भी नहीं है, वहाँ पर आपको कुछ करना होगा। मतलब आप एक नेचुरल तरीके से आप इसका इलाज कर सकते हो, तो एक है मेडिसिन से आप इसका इलाज कर सकते हो। नेचुरल वे से अगर आपको करना है तो आपको एलोवेरा का जो पौधा होता है, एलोवेरा आपको लाना होगा। एलोवेरा का जो जूस होता है, उस जूस को निकाल कर आप पानी के साथ थोड़ा मिलाकर मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके थोड़ा लिक्विड फॉर्म करके, उस लिक्विड को आप अच्छी तरह से बर्ड्स के शरीर पर, जहाँ पर वो स्किन दिखाई दे रहा है, जहाँ से फेदर झड़ रहे हैं, वहाँ पर अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिएगा। या फिर अगर वो बर्ड्स नहा सकते हैं तो नहाने के पानी में देख कर उनको उससे नहला दीजिएगा। तो ये बहुत बढ़िया काम करता है एलोवेरा जेल, बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद है उनके स्किन के लिए। उनके ये जो फेदर लूज का जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि एलोवेरा जो है वो कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी एक एलोवेरा का पौधा लाकर उसका जूस नहीं निकालना है। आपको देखना होगा कि कौन से एलोवेरा के जो पत्ते हैं, जो आप जहाँ से वो जूस ले रहे हो, तो आपको देखना है कि उन पत्तों पर कोई ब्लैक स्पॉट है या नहीं। अगर कोई ब्लैक स्पॉट है तो उस पत्ते को आपको नहीं लेना। आपको वही एलोवेरा पौधा लेना है जिस पर कोई स्पॉट नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट ग्रीन कलर का हो, तो वही आपको लेना चाहिए। वही सबसे बेस्ट होता है इनके केयर के लिए। दूसरा एक चीज आप काम कर सकते हो, एक मेडिसिन है जिसका नाम है ओरो बाथ।
दोस्तों ये ओरोबाथ मेडिसिन आपको शायद हर जगह ना मिले क्योंकि ये बहुत ही अनकॉमन मेडिसिन है, क्योंकि बहुत लोग बहुत सारे मेडिकल स्टोर या फिर बहुत ज़्यादातर पेट शॉप में ये नहीं मिलता, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा आप, अगर आपके वहाँ पर नहीं मिल रहा तो आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं। ऑनलाइन में ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। मैं भी जब ये मेडिसिन खरीदता हूँ ऑनलाइन ही खरीदता हूँ, और इस मेडिसिन का जो ऑनलाइन का लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ये मेडिसिन खरीद सकते हो। तो ये जो मेडिसिन है ओरोबाथ, इस मेडिसिन को लाकर, ये एक पाउडर मेडिसिन है, इसे आपको पानी के साथ मिलाकर ये मेडिसिन आपको उस बर्ड के पूरे बॉडी पर अच्छे से स्प्रे कर देना है, ठीक है। ये भी एक नहाने के पानी के साथ आप मिलाकर दे सकते हो, क्योंकि ये बाथ लिखा ही हुआ है, ये नहाने के लिए ही है। तो इससे उनके स्किन में जो जिस तरह के प्रॉब्लम्स हो रही है, जो अगर कोई बैक्टीरिया वायरसेस हो या फिर किसी माइट्स की वजह से अगर ये हो रहा है तो वो सभी मर जाएंगे, बिल्कुल झड़ जाएंगे, तो आप ये काम कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास कोई नया खाना बिल्कुल नहीं खा रहे, खाना नहीं चाहते, तो उनको नया खाना खिलाने का आदत कैसे डालना चाहिए वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप फिंचेस पालना चाहते हो तो फिंचेस के बारे में अगर बेसिक चीज़ें जाननी है तो इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।